सीएम एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को नया झटका देने की तैयारी में हैं। शिंदे आज दिल्ली में हैं और शिवसेना के 12 सांसद लोकसभा अध्यक्ष से मिल सकते हैं और ये सभी सांसद संसद में शिवसेना के नए गुट को मान्यता देने की मांग भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, मान्यता मिल गई, तो उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ी मुश्किल यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि तमाम सांसद भी अब लग रहा है कि एक एक करके उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके एकनाथ शिंदे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब से बने हैं, तब से अब जो असली शिवसेना किसकी है, इसकी लड़ाई और तेज हो चली है। और ऐसे में दिल्ली में शिंदे हैं, उद्धव मुंबई में टेंशन में है, क्योंकि खबर ये कि 12 सांसद अब शिंदे खेमा में जा सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, एक चिट्ठी भी उनकी तरफ से लिखी गई है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा अभी गृह मंत्रालय की तरफ से दे दी गई है। ये चार तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में है एकनाथ शिंदे, आज कई बड़ी मुलाकातों में उन्हें शामिल होना है। उद्धव की टेंशन बढ़ी हुई है, 12 सांसद के आप उद्धव ठाकरे को झटका देंगे, इस पर नजर रहेगी। और उधर संजय राउत डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी भी डैमेज कंट्रोल के नाम पर वो ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं। अद्याप खासदार भेटले नाहीत, उद्या नक्की भेटतील। 12 कशाला, 18 खासदार आहेत आपले, सगळे भेटतील। आणि आता मी भेटलो, वकिलांच्या बरोबर चर्चा केली। ओबीसीचा जो प्रश्न आहे, अतिशय महाराष्ट्राच्या ओबीसी समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे। राज्य सरकार ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध आहे, त्यामुळे तो विषय महत्त्वाचा घेऊन मी ते आले। तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, काफी कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 12 सांसद क्या, उससे भी कई ज्यादा सांसद हमारे साथ हैं। अब आगे आने वाले दिनों में आप देखिए क्या होता जाता है, क्योंकि एक के बाद एक यही दोनों पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है, दोनों गुटों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि असली शिवसैनिक हम है। उद्धव ठाकरे का खेमा कह रहा है कि असली शिवसैनिक हम है। अभी भी कुछ भी पिक्चर क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुश्किलें बहुत बढ़ रही उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि अब सांसद भी शिंदे खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और शिवसेना नेता संजय राउत ने शिंदे कैंप को चुनौती दी है, कहा कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, हमारी आदत है संघर्ष करने की, सामना करने की, लड़ाई करने की। बाला साहेब की शिवसेना पूरी तरह से तैयार है, सुनिए संजय राउत ने क्या कहा। ब्लैकमेलिंग केलं जात आहे अनेक बाबतीत, पण ठीक आहे, जो होगा वो देखा जाएगा। कोणत्याही परिस्थितीशी संघर्ष करायला, सामना करायला, लढा द्यायला बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना ही तयार आहे। महाराष्ट्र